टोटली मिस कर जाएंगे। ये देखो अभी हमें ये ऐसे ही क्रॉस करना है, इसको हमने क्रॉस कर लिया, नॉर्मल खड़े हो जाओ, चांस जैसा लेते। सो हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज उमंग सेठी एंड यू आर वॉचिंग मॉडर्न डे क्रिकेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकलिफ्ट के बारे में। बैकलिफ्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर क्रिकेटर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बैकलिफ्ट हमारा कहाँ से आना चाहिए, उसका हाइट कितना होगा, एंगल क्या रहेगा, कॉकिंग होगा नहीं होगा, तो बहुत से कंफ्यूजन चलते रहते हैं प्लेयर्स के माइंड में। तो उस सारी कंफ्यूजन को आज क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस इस वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जो पहला पार्ट है वो है कि हमारे बैकलिफ्ट का हाइट कितना रहेगा, दूसरा पॉइंट जो है वो ये रहेगा कि हमारे बैकलिफ्ट का एंगल क्या रहेगा, क्या वो फर्स्ट स्लिप से आएगा, क्या वो सेकंड स्लिप से आएगा, क्या वो गली से आएगा, और जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो काइंड ऑफ अ सरप्राइज है आपके लिए, वो आप बोनस एक बोल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने के पहले आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है आपका क्रिकेट इंप्रूवमेंट। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि हमारे बैकलिफ्ट का हाइट कितना रहेगा। तो बहुत ईजीली समझना है इसको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल वे में समझना है कि जब हम चांस में खड़े रहते हैं तो हमारा जो ग्रिप रहेगा ये हमेशा एडी के पास रहेगा। ये देखिए, ये हमारा जो ये हमेशा एडी के पास रहेगा, एडी के पास रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बैट हमारा ये स्ट्रेट रहेगा, तो बैट हमेशा विकेट से हल्का ऊपर, जो हमारा स्टंप्स है ना, स्टंप से हल्का ऊपर रहना। वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर या बहुत ही वो हटके प्लेयर होते हैं जो लोग अपना स्टांस, मतलब इस तरह से फाफ डू प्लेसी हो गए और जॉनी बेयरस्टो हो गए, ये लोग जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं वो लोग यहाँ से लाते हैं, पर हमें वो सब नहीं करना है। अगर आप नेचुरली वैसा करते हो तो वो अलग बात है, अगर उसमें आपका रन हो रहा है तो आप करो, नो इश्यूज़, पर अगर आप एक बिगनर हो तो बेसिक फॉलो करना है, नॉर्मली हमें विकेट के ऊपर रखना है। ये चांस में कहाँ रखेंगे बैकलिफ्ट, ये समझ गए। जब हम इनिशियल लेते हैं, साइड से दिखाता हूँ, जब हम इनिशियल लेंगे तो हमारा जो ग्रिप है ये बैक थाई में चल जाएगा, ग्रिप बैक थाई में गया मतलब बैट हाई लिफ्ट हो जाएगा, हमें अलग से इसे नहीं उठाना है, हमें बस नॉर्मली क्या करना है, ये एडी में है, बैक थाई में लाना है। आप एडी से बैक थाई में लाओगे ऑटोमेटिकली एकदम परफेक्ट उठेगा, जितना उठना चाहिए क्रिकेट में। ये है, ये दैट्स इट, बस इतना ही उठना है। अब बात करते हैं कि किस एंगल से आएगा बैट, सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है कि किस एंगल से आएगा बैट। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बैट या तो विकेट कीपर या तो फर्स्ट स्लिप, विकेट कीपर या फर्स्ट स्लिप के तरफ से ही लाया जाए बैट। क्यों? क्योंकि अगर हम सेकेंड स्लिप से लाते हैं या गली से लाते हैं तो वहाँ से एक डिफरेंट एंगल क्रिएट होता है, वहाँ से जब आप बैट नीचे ला रहे हो तो वो डिफरेंट एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब अब बैट यहाँ से ला रहे हो, ठीक है, बॉल आपका इस लाइन पे आ रहा है, बॉल थोड़ा आगे पीछे हुआ तो आप मिस कर सकते हो, बोल्ड हो सकते हो, इनर एज लग सकता है, बहुत ही चीज़ें हो सकती है। तो बेटर ये है कि बॉल जिस लाइन में है उस लाइन से आपका बैकलिफ्ट आए। देखो अगर हम स्ट्रेट बैकलिफ्ट उठाते हैं कीपर के पास से या फर्स्ट स्लिप के पास से तो हमारे बैट का एंगल भी स्ट्रेट आ रहा है, ये है ना। अगर हम लेट भी हो जाते हैं ना, अगर मान लो हम शॉट नहीं खेल रहे, हम लेट हो जा रहे, अगर हम यहीं पर रुक गए, यहीं पर अगर रुक गए तो बॉल आकर सीधा हमारे बैट पे ही लगेगा, पर यही अगर हम सेकंड स्लिप से लाते हैं, गली से लाते हैं, इसमें हमारे टाइमिंग का थोड़ा भी आगे पीछे हुआ, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो हम टोटली मिस कर जाएंगे। ये देखो टोटली मिस कर जाएंगे, हमें बहुत टाइमिंग के साथ एकदम ऐसे बैठाना पड़ेगा तभी वो शॉट लगेगा। तो इस वजह से मेरा ये रिकमेंडेशन है, आपका बैकलिफ्ट हमेशा कीपर या फर्स्ट स्लिप, ये बहुत ही सेफ तरीका है बैकलिफ्ट लेने का। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि बैकलिफ्ट का एंगल क्या होगा। मैंने दो पार्ट कवर कर दिया, जो दूसरी जो तीसरी चीज़ है जो मैं सरप्राइज बोल रहा था उसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, उसके पहले एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, हमारा हैंड पोजीशन कहाँ रहेगा। हमारा हैंड हमेशा बॉडी के क्लोज रहेगा, हम कोई भी शॉट खेले, हम चाहे कवर ड्राइव खेले, स्ट्रेट ड्राइव खेले, फ्लिक खेले, कुछ भी खेले, हमारा जो इनिशियल रहेगा उसमें हमारा जो ग्रिप है हमेशा बैक थाई में रहेगा और बॉडी के क्लोज रहेगा, हमें कभी भी इसको बाहर नहीं ले जाना। बाहर ले गए ये बैट आपका हाथ पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपके बीच में गैप कब बन जाएगा, कब बॉल घुस जाएगा आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हमेशा इसको क्लोज, हमेशा हाथ को क्लोज रखना है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, हो सकता है कि आप हो सकता आगे चल के भूल जाओ कि अरे किस तरह से बताया था, कैसे याद करूँ, होता है लोग भूल जाते हैं। तो बहुत ईजी सा सिंपल सा तरीका, आपको कुछ नहीं करना, बैट साइड रख दो, अभी हमें ये ऐसे क्रॉस करना है, इसको हमने क्रॉस कर लिया, नॉर्मल खड़े हो जाओ, चांस जैसा लेते हो, चांस में खड़े हो जाओ, इसे क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लिया,
बैकलिफ्ट कैसे जाएगा, बैक थाई, बस ख़त्म, यही है बैकलिफ्ट, यहाँ से बैक थाई। अब इसी में अब बैट पकड़ लो, अब तो वही पोजीशन आएगा जो मैंने बताया आपको, ये एडी बैक थाई ख़त्म। और जब का बैक हैंड होगा, बैक हैंड हमेशा याद रखिएगा, ये जो थ्री फिंगर्स है ना, ये थ्री फिंगर से ही इस बैट को होल्ड करेगा, चाहे आप इस तरह से स्टांस में खड़े रहो, चाहे आप इस तरह से बैकलिफ्ट लो। पीछे वाला जो हाथ है, पीछे वाला हाथ मैंने सिर्फ तीन उंगली से पकड़ा है और आगे वाले हाथ से पूरे बैट को पकड़ा है, यही है बैकलिफ्ट, दैट्स इट। और ये परफेक्ट बैकलिफ्ट है, आपके शॉट्स में पावर आएगा, परफेक्ट टाइमिंग होगा, आप कभी भी बॉल मिस नहीं करोगे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्रिकेटर्स, अब बात करते हैं उस बोनस के बारे में जो थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये है कि जब हम स्टांस में खड़े हैं, जब हम बैकलिफ्ट ले रहे हैं, तो आपने बहुत से कोचेज को सुना होगा कहते हुए कि रिस्ट कॉक करो, रिस्ट कॉक करो, मतलब बैट को ऐसे इस तरह से खोलने कहते हैं, वो इस तरह से ये खोलने कहते हैं। पर मेरा सजेशन ये, मेरा पर्सनल सजेशन ये है आप सब से, जितने भी बर्डिंग क्रिकेटर्स हो, कि देखो हमें कहा जाता है ये कॉक करने, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जब हम खेलने जाते हैं, जब कोई शॉट मारने जाते हैं, तो हमारा बैट आता तो स्ट्रेट ही है, हम स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे तो हमेशा स्ट्रेट बैट से मारेंगे, कवर ड्राइव मारेंगे ये स्ट्रेट बैट से मारेंगे, कभी भी हम इस तरह से नहीं मारते शॉट, कभी भी कोई भी शॉट हम इस तरह से नहीं मारते। तो जब एंड में जाके बैट सीधा करना ही है, तो कॉकिंग बैट को घुमाना क्यों है, कोई पॉइंट बनता है इसका, बिल्कुल नहीं बनता है। तो हमें हमेशा बैट स्ट्रेट उठाना है। खोलने में क्या है ना कि आप, चलो मान लो आप अपना रिस्ट कॉक कर दिए, ठीक है, आप जब बॉल खेलने गए अनकॉकिंग के समय, अगर ज़्यादा अनकॉक हो गया बैट, मान लो ज़्यादा अनकॉक हो गया, ठीक है, नीचे आते समय ज़्यादा अनकॉक हो गया, तो जो आप स्ट्रेट खेलने जा रहे हो, बैट के एंगल के हिसाब से आप खेलोगे, बॉल उधर जाएगा। अगर अनकॉक करते समय बैट कम अनकॉक हुआ, ठीक है, कॉक ही रह गया, देखो आधा कॉक ही रह गया, तो आप स्ट्रेट खेलोगे, बॉल उधर जाएगा। हमें हमेशा अपने बैटिंग को जितना हो सके सिंपल रखना है, सिंपली ऐसे उठाना है, सिंपली करके बैट नीचे लाना है, स्ट्रेट खेलना है। अगर हम यही कॉक करते हैं, कॉक कर लिए, बैट नीचे लाए, अनकॉक करना भूल गए, सीधा खेले, बॉल उधर जाएगा। बहुत ज़्यादा अनकॉक हो गया, खेले, सीधा खेलना चाह रहे हैं, बॉल उधर जाएगा। और एक टेंशन वाली बात क्या, देखो आप कॉक कर दिए, ठीक है, अब पुल मारने गए, इसी कॉक में पुल मारने गए, अनकॉक करना भूल गए, आप ऐसे पुल मारो कि बैट ऐसा स्लाइस हो जाएगा, बॉल खड़ा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ये फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर आप सोचने बैठ जाओगे कि बैटिंग में कहाँ गलती हो रही है, क्यों रन्स नहीं बन रहे हैं, यही सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, कि हम खुद ही बैटिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं, जबकि बैटिंग बहुत ईजी है। अगर आप बेसिक्स में जाओ, फंडामेंटल्स क्लियर रखो, तो बैटिंग इज़ वेरी ईजी। आई एम श्योर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको वीडियो, होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको क्रिकेट से रिलेटेड, और अगर आपको जानना है कि मैंने अपने गेयर्स कहाँ से लिए, कौन सा गेयर्स मैं यूज़ करता हूँ, तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ।